कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama। Oh, it's me, it's me, it's me, it's me, it's me।
कि जगन्नाथ दास बाबा जी का पिंड है समाधि, तो क्योंकि उनका दिव्य शरीर अभी भी ये पिंड के नीचे है, इसलिए अभी भी जगन्नाथ दास बाबा जी यहाँ वास करते हैं। ऐसे बताया जाता है कि हमारे आचार्य का संग चाहिए तो उनकी समाधि के बारे में जाना चाहिए, तो वो डायरेक्ट आपको अपना दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि उनका सच्चिदानंद शरीर उधर ही मौजूद है। तो इसीलिए वृंदावन में भी 64 गोस्वामी की समाधि है राधा दामोदर मंदिर के बाजू में, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जन्म 1760 में हुआ, आदिभाव 1760 में टंगैल नाम का डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश, उस समय बांग्लादेश में था है अभी, तो उधर उनका जन्म हुआ और वो बाल्य अवस्था से ही बहुत ही अंतर्मुख थे, वो भगवान का नाम में रुचि उनका अतिशय रुचि था। उनके बचपन का लीला हमको बहुत कम पता है, क्योंकि किसी को पता नहीं है, क्योंकि 1700 साल में बांग्लादेश में किसी ने रिकॉर्ड हिस्ट्री नहीं है, लेकिन बहुत ही छोटी उम्र में वे वृंदावन धाम में पहुंच के अपना भजन करने के लिए, और वृंदावन धाम में राधा कुंड के बाजू में जगह है थोड़ा दूर, उसको कहते हैं सूर्य कुंड में कौन गया है, सूर्य कुंड में राधा कुंड में दोपहर की लीला जब राधा और कृष्ण करते हैं, उसके बाद राधा कृष्ण को समाचार मिलता है कि जटिला आ रही है। जटिला कौन है? राधा रानी के सास, तो वृषभानु अभिमन्यु की माता, तो राधा रानी का वृंदावन में एक डमी हस्बैंड है। डमी का मतलब है डुप्लीकेट, अभिमन्यु उसका नाम, वो अभिमन्यु राधा रानी को स्पर्श भी नहीं करता है, वो अपना गाय चराते रहता है, सुबह के टाइम में निकल जाता है, क्योंकि राधा रानी को केवल भगवान कृष्ण ही स्पर्श करते हैं, लेकिन वो थोड़ा डुप्लीकेट हस्बैंड और ये सब कारण राधा और कृष्ण का प्रेम बढ़ जाता है, उसको कहते हैं परकीय रस, द्वारका में स्वकीय रस, पत्नी रुक्मिणी सत्य भामा ये सब कृष्ण की पत्नियां हैं, तो जब पत्नी के साथ एक साथ महल में रहते हैं तो ज्यादा मजा नहीं आता है, ठीक है बोर हो जाते, कृष्ण बोर नहीं हो जाते, उनका तो अद्भुत लीला है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इसका नकल नहीं करना है। तो लेकिन राधा और कृष्ण के मिलन में बहुत बाधाएं आती है, जटिला है, कुटिला है, मुखरा है, बहुत लोग रोकने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह सब गोपियां प्लान बना के राधा कृष्ण का मिलन कराते हैं राधा को दोपहर के टाइम, तो वो लीला रस और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर मुश्किल को सहन करके हम कुछ वस्तु करते हैं बाधाओं के बावजूद तो प्रेम और बढ़ जाता है। तो इसलिए ये वृंदावन का ये पूरा माधुरी रस इस प्रकार से प्रकट है, परकिया रस। तो जब राधापुर में लीला करने के बाद में पता चलता है कि जटिला और कुटिला आ रही, कुटिला है वो बहन अभिमन्यु, वो दोनों आ रहे हैं, भागो भागो, सब समाचार पोपट, राधापुर का पोपट बोलता है भागो राधा कृष्ण, तो भगवान कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं, और फिर जटिला आके राधा रानी को लेके सूर्य कुंड में जाते, राधा कुंड से सूर्य कुंड, और भगवान कृष्ण तो राधा रानी को इतना जल्दी छोड़ेंगे नहीं, तो जटिला के सामने भी वो जाना चाहते, लेकिन भगवान कृष्ण है वो ज्योतिष ब्रह्मचारी का वेश धारण कर पूरा होके शरीर का रंग ही बदल जाता है, सब माला वाला डाल के ब्रह्मचारी ज्योतिष, तो जो सूर्य कुंड में राधा और जटिला पूजा कराती राधा रानी को कि हमेशा मेरे पति मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ ये रहे, सब शुभ हो जाए घर में, सब पूजा सूर्य की पूजा, तो बोले ये पूजा करने वाले कौन है, बोले एक ही ब्रह्मचारी है वृंदावन में श्याम रंग के, वो आएंगे अभी, तो भगवान कृष्ण आ जाते हैं, और भगवान कृष्ण
कहते हैं मैं पूजा करूंगा, मैं मंत्र पढ़ूंगा, मेरे पीछे राधा को दौड़ाने का और उसका हाथ ऐसा दिखाने का बाहर। राधा रानी बोलती है अरे मैं तो कोई पुरुष को हाथ नहीं दिखाती हूँ, मेरा मुख भी नहीं दिखाती हूँ। कृष्ण बोलते हैं मैं तो बाहर रहना चाह रही हूँ, मेरे को दिखाने से कुछ नहीं होगा। तो बाद में और जब कृष्ण मंत्र पढ़ना चालू करते हैं तब वो मंत्र में डबल मीनिंग रहता है, एक मीनिंग में डबल मीनिंग। बाहर से हो तब मंत्र रहता है, अंदर से सब मीनिंग रहता है मैं तुम्हारे शरण में आ गई हूँ। तब अंदर से वो केवल राधा राधा रानी को ही समझता है। तो ये सूर्य कुंड में बहुत सुंदर लीला होती है, वो जटिला को बेचारा कुछ पता नहीं चलता है, सब हो गया साइड में वो हंस भी रहते हैं क्योंकि सब राधा रानी की संख्या को बड़ा चल रहा है, भगवान क्या संकेत दे रहे हैं, बल्कि रात को काम मिलना है वो भी प्लान बता देते हैं मंदिर के अंदर ही। तो ये सूर्य कुंड में ये नित्य लीला होता है राधा कृष्ण। तो जगन्नाथ दास बाबा जी यही लीला का स्मरण अंदर दर्शन करने के लिए लीलाओं का, इसलिए वो सूर्य कुंड में वास करते थे और सूर्य कुंड में ही नाम लेते थे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे नित्यानंद। तीस चालीस पचास साल राधा सूर्य कुंड में रहे, लेकिन बाद में उनको पता चला कि व्रज तत्व तत्व है देखे भेद, इसे अपन आदि व्रजे अपन आदि पाए निर्वाण भेद, कि वृंदावन और नवद्वीप एक ही धाम है लेकिन तो भी इसमें अंतर है। वृंदावन में कोई अपराध करेगा तो उसको मुक्ति मिलेगा निर्वाण भेद, लेकिन नवद्वीप में सब अपराध क्षमा हो जाते हैं। नवद्वीप आए सब सबो अपराध करी निताई कृपा है तुम्हें जाए परी, नवद्वीप में आने को अपराध करेंगे तो हम जल्दी हमें शरण मिलेगी। मतलब ये नहीं अपराध करना है यहाँ आके, लेकिन अब सब अपराधों का नष्ट हो जाए नवद्वीप यहाँ। तो जगन्नाथ दास बाबा जी से परम हंस भक्त भी तभी वो वृंदावन में उनका नाम हो गया वैष्णव सार्वभौम, पूरा वृंदावन नवद्वीप और जगन्नाथपुरी में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव 1800 में 1800 में एडी में सबसे परम वैष्णव थे जगन्नाथ दास बाबा जी। सारे भारत के सारे पृथ्वी के भारत के सब वैष्णव उनका दर्शन करने के लिए आते थे क्योंकि 140 साल तक वो जिए 144 साल, लेकिन 144 साल में कितना एकादशी आता है 144 इंटू 4000 एकादशी उन्होंने निर जला दिया, पानी भी नहीं, एक बूंद अपना आखिरी सांस तक एकादशी। और एकादशी में एक ही काम था उनका हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद। एक बार वृंदावन धाम में उनको पता चला कि गौर निताई बहुत दयालु है, तो उन्होंने नित्यानंद गौरांग नाम का पुरस्करण विधि होता है। पुरस्करण मतलब 2 महीना फिक्स टाइम लेके हम नित्यानंद गौरांग का नाम करेंगे और उस टाइम में कुछ नहीं करेंगे संसार का, केवल वो नाम का ध्यान करेंगे और उससे मंत्र सिद्धि मिलता है, दर्शन मिलते हैं। वो बोले निताई गौर का दर्शन करके ही मैं रहूंगा। तो उन्होंने पुरस्करण चालू किया पूरा दिन भर नित्यानंद। तो ऐसे पुरस्करण करते करते 1 महीना हो गया, उन्होंने ये व्रत लिया था कि मैं सुबह के टाइम स्नान करके एक स्थान में बैठ जाऊंगा, खाली नाम लूंगा और जब तक मेरा रोज का नाम पूरा नहीं होगा तब तक मैं किसी से बात नहीं करूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं, मौन। लेकिन वो वृंदावन में बैठ के नित्यानंद गौरांग का नाम ले रहे थे, 1 महीना पूरा हुआ, उनको सामने एक वृक्ष दिखाई दिया। वृंदावन में तो सब वृक्ष कल्प वृक्ष रहते हैं,
जैसे नवद्वीप और पुरी में है, तो वो वृक्ष को उनको जो चिन्मय धाम का दर्शन हो गया, तो वो वृक्ष का सौंदर्य देख के वो अपना पुनः शरण के बीच में ही अपने सेवक को बुलाया बिहारी को, देखो बिहारी लाल देव कितना धर्म वृक्ष है करके उन्होंने बोल दिया। तो जैसे ही उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कहा मैं वापस पुनः शरण चालू करूंगा, वापस उन्होंने चालू किया। तो वापस दो महीने तक उन्होंने नित्यानंद गौरांग का नाम लिया, और दो महीने के बाद क्या हुआ, नित्यानंद गौरांग महाप्रभु उनके आंगन में उनके सामने आके नाचने लगे, हे प्यारंग प्यारंग रंग। फिर उसके बाद उन्होंने नवद्वीप में आके ये निताई गौर का मूर्ति विग्रह को स्थापित किया। ये नित्यानंद गौरांग है, ये स्वयं जगन्नाथ दास बाबा जी द्वारा पूजित, इन्होंने इनका सेवा पूजा किया नवद्वीप में आके। तो तभी वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत बूढ़े हो चुके थे, जब वो नवद्वीप में आए भक्ति विनोद ठाकुर जी भी जगन्नाथ दास बाबा जी के चरणों में आके भजन करते थे। नाम हट्ट के प्रोग्राम होते थे, गौरांग आश्रय गौरांग नाम हट्ट, तो भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन करते थे सब भक्तों को, लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी को जरूर बुलाते थे। और जगन्नाथ दास बाबा जी 120 साल के, लेकिन जब कीर्तन होता था तो पार्टी के सबसे आगे नाचते थे, ऊंचा ऊंचा हवा में उनका उनका चरण हमारे सर को आता था, उतना ऊंचा छलांग लगाते थे कीर्तन में, सबसे आगे नृत्य करते थे, और उनका उतना स्पीड था कीर्तन में कि वो इतने फास्ट चलते थे कि सब भक्तों को दौड़ना पड़ता था उनके पीछे। इतने उम्र में 120 साल की उम्र में इतना उनको भक्ति भगवान की लीलाओं में प्रवेश हो। फिर वो नवद्वीप में बहुत बूढ़ा हो गए, तो बिहारी लाल ने तब उन्होंने अपने सेवक को कहा कि मुझे तुम बास्केट में उठा के लेके जाओ बास्केट। तो उनका सेवक था बिहारी लाल, वो बास्केट रखता था अपने कंधे में, पीछे बास्केट में जगन्नाथ दास बाबा जी बैठ जाते, बहुत छोटे थे वो, खाली बास्केट में बैठती हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 नित्यानंद। एक बार बिहारी लेके जा रहा था, एक बड़ा करोड़पति रास्ते में मिल गया, नवद्वीप कलकत्ता से आया हुआ, तो बाबा जी महाराज मुझे दर्शन दीजिए, बास्केट खोली आई है मुझे दर्शन दीजिए। तो बाबा जी महाराज ने उसको क्या है बोलिए, बाबा जी महाराज ने आपको 1 रुपया डोनेशन देना चाहता हूँ, उस समय में 1 रुपया का भी बहुत कीमत था, आजकल का 1000 रुपये, 1 रुपया गणेश। बाबा जी महाराज उसने ऐसा ही रख दिया बाबा जी के पास, और वो चल लीजिए मेरा। तो बाबा जी महाराज ने सोचा कोई वैष्णव की मैं सेवा करूंगा इसमें, तो बाद में बास्केट बंद हो गया, वापस बिहारी आगे चलने लगा, और अंदर से बाबा जी ने वापस चैंटिंग चालू किया, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 2 किलोमीटर गए और बाबा जी ने कहा रिटर्न करो बिहार, रिटर्न वापस चलो। बिहारी रिटर्न हो गए, वापस वो लखपति करोड़पति था वो आ गया उधर, आप क्यों आए वापस। तो बास्केट खुला, जगन्नाथ दास बाबा जी वापस आए और 1 रुपये का सिक्का निकाला उसके हाथ में, तो ले लो इसको। तो करोड़पति ने कहा अरे बाबा जी अब वापस क्यों दे रहे। बाबा जी ने कहा देखो 1 रुपया तुमने मुझे दिया वो इतना मेरे ऊपर बोझा बन गया कि मैं सोचता हूँ तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है तुमको कितना परेशान होगा, तुम्हारे ऊपर कितना तकलीफ होगा, दिन रात तुम पैसा ही गिनते हैं, पहले तो पैसा इकट्ठा कैसे करना है वो सोचना पड़ता है, फिर पैसा आने के बाद सोचना पड़ता है पैसा को इनकम टैक्स से कैसे बचाना है, फिर पैसा को बचाएंगे फिर सोचना पड़ता है पैसे को खर्चा कैसे करना है, वो भी तो बड़ा प्रॉब्लम है ना, पैसे को खर्चा कैसे करना है, फिर पैसे को खर्चा कर देंगे फिर सोचेंगे अभी मेरा भविष्य का कैसे पैसा सेविंग करना है। तो ये सब इतना तकलीफ तुम ले रहे हो, मेरे को 1 रुपया ही इतना बर्डन दे दिया, हाँ फिर बोलेंगे मेरे जाने के बाद मेरे पैसे का क्या होगा, वो भी बड़ा टेंशन। तो
ये ले लो, नहीं चाहिए, तुम ये ले लो, लेकर भी चले। दूसरी बात, बाबा जी महाराज बहुत बिलाए हैं, अभी तो टाइम नहीं है हमारे पास, जा सारे जरा आगे जाना है। तो बाबा जी महाराज इधर बैठे हुए थे, आपने ब्रेकफास्ट खाने में बहुत देरी कर दी, तो बाबा जी महाराज इधर बैठे थे, सडनली गेट में से लोग आए, जाओगे बाबा जी, बाबा जी बहुत योगी लोग हैं जो चमत्कार दिखाते हैं, आप भी कुछ चमत्कार दिखाएंगे, कुछ चमत्कार देखना है हमको, आप तो भगवान के परम भक्त हैं। बाबा जी कहते नहीं, मैं खाली नाम का चमत्कार, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि नो, एक योगी है वो प्रभुपाद के पास आया और बोलता है आबरा आबरा बबलू काबरा, ऐसे हवा में उसने कुछ हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक अनार, क्या कहते हैं उसको, पमक रहने अनार आ गया। प्रभुपाद को कहा मैंने काबुल अफगानिस्तान से आपके लिए लेके आया, खाइए प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा व्हाट नॉनसेंस, रियल मिरेकल इज टू चेंज द हार्ट ऑफ द पीपल। असली चमत्कार क्या है कि जो पापियों को तुम वैष्णव बनाओ, तुम्हारा आबरा काबरा बबरू काबरा से बना सकते हो, ट्राई करो, नहीं हो। हाँ, पानी में चलने के बड़ा योगी चमत्कार दिखाता है पानी में चलने का, लेकिन पानी में तो मैं एक रुपए का टिकट लेके और आ गए ना पानी के ऊपर, तो क्या उसका क्या फायदा है इतना, पूरा जीवन भर पानी में चलने की सिद्धि को प्राप्त कर, वो तो मैं 25 पैसा में पार कर लेता हूँ। हवा में उड़ने के लिए योगी लोग सिद्धि करते हैं, अरे एरोप्लेन में 2-3 हजार में लेके जाते हैं, कौन सा बड़ा बात। तो इसलिए ये सब सिद्धि नहीं, लेकिन वो बाबा जी को बोला नहीं बाबा जी, बाबा जी प्लीज शो, दिखाइए हमको। तो बाबा जी ने किया कि अपना लाठी लिया चलने का, तो किसी में बीमार और बोला अरे ये कौन सी सिद्धि है। तो उन्होंने बोला बाबा जी को क्या हुआ, वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर के पीछे के भाग में लोकनाथ गोस्वामी का समाधि है, उधर तुलसी है, उसको आके बकरी खा रही थी, तो मैं उसको मार रहा था, साधा मार रहा था, जानते थे तुम। उधर बकरी तुलसी को खा रही लोकनाथ गोस्वामी, तो मैं उसको मार रहा था, चलो बकरी ये क्या है, तुरंत यहाँ से टेलीग्राम भेजा सब लोगों ने वृंदावन से, क्या उधर तुलसी को बकरी खा रही थी ये टाइम पे, तो फिर लोग उसको ढूंढने को गए, कौन उस टाइम पे था वहाँ, सबको बोला सचमुच उस टाइम पे बकरी वो तुलसी को खा रही थी, और तुरंत वो हट गई बाबा जी महाराज की लकड़ी को सुन के। तो सब लोग आके बाबा जी जगन्नाथ दास बाबा जी के चरणों में गिर गए, बोले जय जय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। ऐसे हमारे एक और एक आचार्य थे जिनका नाम था श्यामा, वो सुबह उठ के दातुन कर रहे थे, तो सब भक्त आके सब लोग बोले बाबा जी बड़ा योगी आया है हमारे गांव में, बड़ा चमत्कार दिखा रहा है, आप चलिए देखने के लिए। श्यामानंद ने कहा जरा शांति रखो, मेरे को दातुन मुंह तो किसने दो, मेरा तो हरि नाम, मेरा नाम बाकी है, नहीं बाबा जी चलिए हमारे। श्यामानंद वो तो क्या करता है कि दीवार पे बैठ के हवा में उड़ता है दीवार के साथ, जरा चुप रहो, नहीं 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 श्यामानंद प्रभु चले। श्यामानंद ने कहा अभी मैं तुमको दिखाता हूँ, उनका जो दातुन का बाबुल का उसको अपने दोनों पैरों के बीच में रखा और वो ढूंढने लगे। तो सब अष्ट सिद्धियां वैष्णव के चरणों में गिर के रहती है, लेकिन वैष्णव उसको यूज नहीं करता है, डस्टबिन होता है, डस्टबिन आपके घर में डस्टबिन के ऊपर आप क्या लगाते हैं, प्लीज यूज मी, मुझे इस्तेमाल कीजिए, ऐसी सिद्धियां बोल रही है वैष्णव को, मुझे इस्तेमाल करो, नवदीप में जो भी आता है उसके चरणों में सिद्धियां गिर जाती है, बोलते मुझे यूज करो, लेकिन वो लाभ आता है नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, क्योंकि सिद्धियां तो मुझे भगवान से घमंड आ जाएगा, मैं कितना बड़ा हूं, भगवान से दूर ले जाए। तो इसलिए बाबा जी महाराज की अनंत लीलाएं, एक बार
बाबा जी महाराज को किसने 200 रुपए का डोनेशन दिया, तो बाबा जी महाराज ने कहा अच्छा अच्छा रसगुल्ला लेके आओ। और रसगुल्ला नवदीप के साथ कुत्तों को मारे, बिहारी लाल ने कहा बाबा जी महाराज इतने से वैष्णव है, हमें कुत्तों को किसे मारने को बोल रहे हैं। तो बाबा जी महाराज ने कहा एक वैष्णव का वेश धारण करके आदमी पाखंडी ने अंदर से पाप करता है बाहर से वैष्णव, उससे अच्छा मैं नवदीप के कुत्तों को खिलाऊंगा, वो तो असली भक्त है, हर एक जीव नवदीप का गौरांग का भक्त है, कीड़ा मकोड़ा सब तो नवदीप के सबके भगवान के भक्त है, इन्हें पाखंडियों को नहीं खिलाऊंगा। फिर एक बार बाबा जी महाराज खाने के लिए बैठे थे, रोटी थोड़ा सा ज्यादा नहीं खाते थे, बैठे थे तो उतने यहाँ ही बैठे थे, जो कुत्ते आ गए कुत्ते आके उनके साथ में खाने लगे प्लेट, तो बिहारी आके लेकर अरे मेरे गुरुदेव क्या हो रहा है, तो लाठी लेके सब कुत्तों को भगा दिया। तो बाबा जी महाराज ने कहा मैं नहीं खाऊं, ताकि बुला के लाओ उनको, ये सब नवदीप के वासी है, तुम क्या सोचते हो तुम कुत्ते से बड़े हो, सब नवदीप के पास है इनके साथ खाना, तो ये तो सौभाग्य की बात। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर पहले है ना जो भगवान का जन्म स्थान, लोग कहते थे कि ये नवदीप सिटी में हम आ गए ना, जो नवदीप सिटी में आए ना आज वहां जन्म स्थान, ऐसे यहाँ के जो ब्राह्मण पंडित लोग कहते थे, क्योंकि उनका सब मार्केट वर्केट इस साइड में था, इसलिए जन्म स्थान को यहाँ बताएंगे तो लोग ज्यादा इधर आएंगे उनका चलेगा, तो इसीलिए। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति रत्नाकर और वेदों में से रिसर्च किया, बोला कि गंगा उस समय में बहती थी, उसका प्रभाव गंगा के पूर्व साइड में जन्म स्थान होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सब शास्त्रों में से प्रकट किया, और फिर भक्ति विनोद ठाकुर को दिखाई दिया अद्भुत मंदिर, और गंगा को पार करके गए और मायापुर धाम तुलसी का पूरा वहाँ तुलसी का पूरा जो वृक्ष है बहुत पहाड़ था उसका, और वहां सबको पूछा तो बोल तो भावा ने बोलते यही तो मायापुर यही तो जन्म स्थान। तो लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा कि मैं को बताने से नहीं चलेगा, पूरे पूरे विश्व में सबसे बड़ा अथॉरिटी को इधर लाना पड़ेगा, अथॉरिटी कौन जगन्नाथ दास का, तो इधर आके उन्होंने रिक्वेस्ट किया जगन्नाथ दास बाबा जी को कि बिहारी की बास्केट में बैठ के आप आइए मायापुर, तो मायापुर में लेके गए उसको और जन्म स्थान में लेके आए, और जब जन्म स्थान में लेके आए तो जैसे ही वो आए तो जो बास्केट का ढक्कन खुल गया और जगन्नाथ दास बाबा जी ने हवा में छलांग लगाया, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, यही तो निमाय जन्म स्थान, यही तो जन्म स्थान, तो उनके मुख से जो वाणी निकला तो पूरा संसार समझ गया कि वही तो जन्म स्थान भगवान। जगन्नाथ दास बाबा जी, टाइम कम है इसलिए मैं एंड करूंगा, जगन्नाथ दास बाबा जी का आज हम इधर आए हैं तो हमें एक उनका इंस्ट्रक्शन है उपदेश, वो सबसे महत्वपूर्ण है, उनको कोई भी पूछता था कि हमारे लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण उपदेश कौन सा है, तो उन्होंने एक उपदेश दिया है जो हमें हर एक भक्त को पालन करना चाहिए, वो नहीं करेगा तो भक्ति में हम कभी के सफल नहीं होंगे, तो ये उपदेश यहाँ सुनना श्रवण करना इसको जीवन में उतारना सबसे उचित जगह है। तो वो उपदेश क्या बताते बाबा जी महाराज, कि रोज जब तक तुम्हारा माला जितना तुमने फिक्स किया है रोज मैं जपूंगा, वो माला पूरा नहीं होता है तब तक रात को सोना नहीं, खाने को भूल जाओ चलेगा, सोने को भूल जाओ चलेगा, घूमने को भूल जाओ चलेगा, बोलने को भूल जाओ चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन जो रोज फिक्स किया गया है माला उसको पूरा किए बिना सोने का नहीं, उसको शिष्य कहते हैं, शिष्टाचार, शिष्टाचार मतलब शिष्य, डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो डिसाइपल कैसे हो, तो इसीलिए और कोई डिसिप्लिन तो हमारी भक्ति में है नहीं, बाकी सब
मार्ग में बहुत डिसिप्लिन है, पैसा थोड़ा ना ये ध्यान करो, ये करो, वो करो, आसन करो, अपने पैर को यहाँ से निकालो, सर के ऊपर से। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से बताते हैं, प्राणायाम करो, ये सब अलग अलग डिसिप्लिन बताए गए। लेकिन भक्ति में खाली एक ही डिसिप्लिन है कि रात को जब तक माला संख्या नाम पूरा नहीं होता है तब तक सोनेगा नहीं, क्योंकि ये दिन चला गया तो दूसरा दिन में आपको डबल जप करेंगे। कई लोग बोलते हैं महाराज जी मैं डबल कर सकता हूँ, आज सो गया तो आज का कल मेकअप करूंगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है कीजिए, मेकअप करना अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम है कि सात दिन के बाद बोलते हैं महाराज जी मेरा सात दिन का मेकअप कर देगा, मैं संडे को मेकअप कर सकता हूँ, छुट्टी कर दी। तो एक दिन छूट जाएगा तो फिर वो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है आज छोड़ देता हूँ कल तो मेकअप हो जाएगा, फिर दो तीन दिन चलेगा फिर तो सात दिन का छूट जाएगा, सात दिन से एक महीना हो जाएगा। फिर मैं आके पूछता हूँ अभी हो रहा है कि नहीं, मैं साल में एक बार मेकअप कर लेता हूँ, कर लेता हूँ कभी। तो माया कैसे घुसती है वो बताया ना, एक आदमी राजस्थान के रण में सो रहा था तंबू के अंदर, तो उसका ऊंट बाहर खड़ा था, ऊंट को बहुत गर्मी हो रहा, तो ऊंट ने अंदर अपना मुंडी घुसाया तंबू में, मतलब मुझे भी थोड़ी ठंडक दो, उसके बाद आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर ऊंट बोला मेरी पीठ में बहुत गर्मी हो रही, तो ऊंट ने अपना ऐसा करके पूरा तंबू में घुस गया पीठ। फिर बोला मेरे पैर को तकलीफ हो रहा है, तो पूरा घुस गया तो आदमी को बाहर निकाल दिया। तो उसी प्रकार माया बोलेगा अरे आज छोड़ दो नाम लेना, आज तो तुम बहुत घूमे फिरे हो, बहुत थक गए हो, आज बहुत परिश्रम किया है, आज क्यों लेंगे नाम, कल लेना कल आराम से। तो कल कहेगा अरे अरे एक दिन छोड़ दिया तो दूसरे दिन में क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हमें माया नाम से दूर ले जाए, क्योंकि नाम ही कलयुग का धर्म है और तो कोई काम। तो इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी का ये उपदेश हमें मानना चाहिए, ये उनका विग्रह राधा गोविंद और राधा किरदारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये सब विग्रह है यहाँ। और साइड में यहाँ गंगा जी, उस समय में यहाँ गंगा जी बहा करती थी और जगन्नाथ दास बाबा जी गंगा जी के तट में बैठ के ही रोज भजन करते थे, इधर नीचे हम दर्शन करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका वहाँ वहां में बैठक यहाँ वो जब करते थे। और यहाँ के महंत है जय निताई दास ब्रह्मचारी, वो 75 ईयर इन्होंने यहाँ सेवा किया है जगन्नाथ दास बाबा जी का। तो इसलिए ये बहुत अद्भुत स्थान है, यहाँ प्रार्थना करेंगे कि हमें भी ये नाम में रुचि मिले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Krishna Hare Hare